सरकार चाहे जितना साल में निरस्त करे, बिना निरस्त करवाए पटना का गर्दन बाग को हम लोग खाली नहीं करेंगे। उनके भावनाओं से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जी के समक्ष वो कठपुतली बने हुए हैं। नीतीश कुमार पर क्या विश्वास है? विश्वास तो था, परंतु वो विश्वास का धराशायी करते जा रहे हो। कमाया हुआ शेर नहीं बूरता है। तो हम लोग 5 बरस तक मजदूरी किए हैं बिहार सरकार में। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वार्ड सचिव संघ के लोग हैं जो कि बीते 57 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। ये लोग तेजस्वी यादव से मुलाकात करने भी गए थे, हालांकि इन लोगों की क्या बातें हुई, तेजस्वी यादव इन लोग को आश्वासन दिए, लेकिन ये लोग 57 दिनों से बैठे हैं, सरकार का कोई भी आला अधिकारी इन लोगों से मिलने नहीं आता। कितना दिन और बैठिएगा ये बताइए। हम लोग का अटल फैसला है, हम लोग का जब तक लेटर निरस्त नहीं होगा, जो पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया था 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या 72/19 है, जब तक इसको निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक बैठेंगे, चाहे वो जितना साल लग जाए, दिन नहीं साल। कितना साल बैठिएगा आप लोग? लंबा टाइम तो सरकार चाहे जितना साल में निरस्त करे, बिना निरस्त करवाए पटना का गर्दन बाग को हम लोग खाली नहीं करेंगे। मतलब एकदम शपथ ले लिए? एकदम बिल्कुल शपथ ले करके बैठे हैं कि जब बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो 57 दिन हो गया धरना प्रदर्शन का, इससे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर सवाल बिल्कुल ही खड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी। मुलाकात करने गए थे ना? गए थे। उनके भावनाओं से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जी के समक्ष वो कठपुतली बने हुए हैं। अच्छा, कठपुतली बने हुए? बिल्कुल कठपुतली बने हुए हैं। जहाँ जहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी आश्वासन दिए हैं, वादा कर चुके हैं, वो वादे पर खड़ा उतरना चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी उनको अपने वादे को पूरा करने नहीं दे रहे हैं। उनके ऐसा बात से दम बिल्कुल निकल के आ रहा था। अच्छा, सरकार का कोई भी आला अधिकारी आप लोगों से मिल जाता है यहाँ पर? देखिए, अभी तक इन 57 दिन के बीच में हम लोगों से कोई भी आला अधिकारी, सरकार के आला अधिकारी नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग सभी जगह पर गए हैं। माननीय पंचायती राज मंत्री जी के यहाँ भी गए हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ भी गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ भी गए हैं। अच्छा, एक बार आप सड़कों पर आप लोग उतरे थे तो आप लोगों पर लाठियां बरसाई गई थी? हम लोग सड़क पे कभी नहीं उतरे हैं। हम लोग सड़क नहीं, कार्यालय के पास गए थे, बीजेपी कार्यालय के पास हम लोग सड़क पे नहीं उतरे थे। बीजेपी कार्यालय में उस दिन पंचायती राज विभाग का जनता दरबार लगा हुआ था, तो हम लोग जनता दरबार में हम अपनी बात को रखने के लिए गए थे, क्योंकि हमारा मांग है जो पंचायती राज विभाग से ही आता है। अब पंचायती राज विभाग का ही वहाँ पर पंचायती राज विभाग का जनता दरबार लग रहा था। अच्छा, इसलिए अच्छा, ये बताइए आप 57 दिन से बैठे हैं, हाँ, कितना लंबा बैठिएगा यहाँ पर? कितना बोले तो जितना वर्ष हम लोग को यहाँ बैठना पड़ जाए बैठेंगे, जब तक लेटर निरस्त नहीं होगा तब तक बैठेंगे। भले तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी के समक्ष कठपुतली बन के कुर्सी के लोभ में बैठे रहे हैं, पंचायती राज कांग्रेस के जो नेता लोग हैं नीतीश कुमार जी के समक्ष कठपुतली बन के बैठे रहे हैं, उनको कठपुतली उनके लिए मुबारक हो, लेकिन हमारा जब तक 72/19 लेटर निरस्त नहीं होगा तब तक पटना के गर्दनी बाग को खाली नहीं करेंगे। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, आप लोग बताइए कहाँ से आए? सीतामढ़ी से हैं। 57 दिनों से बैठे हैं और कितना दिन आप लोग बैठे? 57 दिन से बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम हर हालत में रहेंगे, और हम थे वार्ड सचिव हैं, रहेंगे, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा। पर ताज्जुब इस बात की है कि उन्होंने ही इस वार्ड सचिव का जन किए, उत्पन्न किए, और वे ही उत्पन्न करा करके वे ही अपने बेटे के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं, यह उम्मीद उनसे नहीं थी। इसीलिए माननीय तेजस्वी यादव जी ने उनको कहा था पलटू चाचा, और उसी पलटू चाचा में फिर से ये भी घुसे हैं। विश्वास है नीतीश कुमार पर? नीतीश कुमार पर क्या विश्वास है? विश्वास तो था, परंतु वो विश्वास का धराशायी करते जा रहे हो। विश्वास है? इन लोगों ने कहा था विश्वास तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब विश्वास करना होगा, और उसके साथ साथ हम लोग को भी एकजुटता करना होगा कि भैया एक साथ होकर के उस मुख्यमंत्री के साथ लड़ना होगा और इसका सफलता लेना होगा। आप लोग बताइए, बीते 57 दिनों से बैठे हैं, बिल्कुल विश्वास है? बिल्कुल विश्वास, सरकार झुक जाएगी, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक लड़ेंगे, तब तक यहीं पे बैठे रहे। बिल्कुल 57 दिनों से बैठे आप लोग, का क्या बनता बिगड़? अधिकारी मिलने नहीं है? कोई अधिकारी अभी तक तो मिलने नहीं आया, कोई मिलने नहीं है? बिल्कुल नहीं। आगे आप लोग का जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा।
चलिए और भी कुछ लगा पाते हैं। कहावत है कि कमाया हुआ शेर नहीं बूरता है, तो हम लोग 5 बरस तक मजदूरी किए हैं बिहार सरकार में, हम लोग अपना मजदूरी ले करके ही रहेंगे चाहे जिस हालत में सरकार हमारी मजदूरी दे। मजदूरी लेकर ही जाइए जी, लेकर के ही जाएंगे पटना के गर्दनी बाग से। अच्छा, क्या आप लोग इतना दिन तक काम किए उसके बाद भी आप लोग को हटा दिया गया? जी, मेरा नाम आनंद कुमार झा है, कोरियाही वार्ड नंबर 5 से हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि सफलताएं संघर्ष के बाद ही लागू होती है। हमारा देश आज़ाद हुआ था उसमें भी सफलताएं जो है संघर्ष के बाद ही था। 57 दिनों से बैठे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है और सरकार का यह घोषणा है कि विकास और न्याय दोनों होना चाहिए, और ख़ास करके नीतीश कुमार पर तो नहीं लेकिन तेजस्वी यादव पर पूर्ण विश्वास है, 100%। विश्वास नहीं है? नहीं, उन पर बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि वह तो बहुत दिनों से धोखा देते आए हैं, लेकिन इनकी एकदम 100% क्योंकि ये एक युवा नेता हैं और बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री हैं और जो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए, तभी आपने देखा मेरे पीछे वार्ड सचिव संघ के लोग हैं। आपको बता दें कि बीते 57 दिनों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, मुलाकात करने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास भी गए थे, हालांकि वहाँ से इन लोगों को अब आश्वासन मिला। उसके बाद ये लोग बैठे हैं और इनका कहना है कि 57 दिनों से बैठे हैं लेकिन सरकार का कोई भी आला अधिकारी हम लोगों से मिलने नहीं आता, और इनका अब कहना है कि जब तक हम लोग की जो हक है अगर वो मिलेगी नहीं तब तक हम लोग इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे, जान दे देंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।